हमारे पास शुरू हो जाती है 70,000 से स्टार्टिंग हो जाती है गाड़ी की। सो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपको लेके आऊँ करोल बाग पे, एंड जिस डीलर के पास लेके आऊँ वो मेरा खास भाई है। भाई बहुत ज़्यादा आजकल बिजी हो गया है, आजकल इतनी गाड़ियाँ बेच रहा है, हमें बुलाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो चल, उसने कल सडनली मुझे याद किया तो मैंने बोला चल आज भाई से ही मिल के आते हैं। आजा भाई, आजा मोहित भाई, क्या हाल है? फिलहाल हम ये सारा एसयूवीज एंड एमयूवीज का कलेक्शन बता दूं भाई, आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग रेंज होने वाली है 1,70,000 से कोई भी गाड़ी हो सकती है वह इनमें से, तो कोई भी हो सकती है गाड़ी इनमें से, वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज हम आपके लिए प्लान कर रखा है हमने। बिल्कुल, तो वो हम बीच में भी खोल सकते हैं, स्टार्टिंग में भी खोल सकते हैं, क्यों भाजी? मतलब वो हम सरप्राइज कहीं भी खोल सकते हैं, कहीं भाई कुछ लोग गलत दस बने लग जाए। सो गाइस बता दूं, ऑलमोस्ट भाजी अगर हम बात करें, गाड़ी सारी फाइनेंस हो जाएंगी? हाँ फाइनेंस हो जाएंगी सारी, एक आधी को छोड़ के। एक आधी को छोड़ के, ठीक है। एंड भाजी फाइनेंस होगा दिल्ली एनसीआर के लिए फिलहाल? दिल्ली एनसीआर के लिए फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपको कोई भी डिटेल चाहिए आप भाजी से कॉन्टेक्ट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और जाके मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है, लेटेस्ट सुपर बाइक्स का, लग्जरी कार का, सुपर कार्स का, तो वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करना माइक सेटिंग ब्लॉग में। तो चले गए, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को। सो गाइस, आज के ब्लॉग में जो आपको सारी कार कलेक्शन दिखा रहा हूँ, एक बार आप देख लो, ये पूरी कार कलेक्शन है जो मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। ब्रेजा भी है, क्रेटा भी है, सेंटा फे है, स्कॉर्पियो है, फॉर्चुनर है, XUV500 है, इसके अलावा भी और कार है जो अभी हम आपको ब्लॉग के बीच में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टोयोटा फॉर्चुनर, पाजी पहले आएंगे मॉडल पे एंड इसके फीचर बताओ। सबसे पहले तो मोहित भाई 2013 मॉडल है, ठीक है, सिंगल ओनर कार 4x4 और 1,11,000 जेन्युइन चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड, सारी कंपनी मेंटेन है गाड़ी। ओनर सिंगल होगी? सिंगल ओनर है। एंड भाई अब हम बात कर रहे थी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग से कॉस्टिंग मोहित भाई इसकी जो स्पेशल कॉस्टिंग रखी है सारी नेगोशिएट करके 12,70,000 रुपए आस्किंग है, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है। एंड मॉडल था 2013 फोर। अच्छा, एंड मैं बात करूं पाजी अगर कोई फाइनेंस करना चाहे, फाइनेंस हो जाएगी? कितना टाइम पीरियड के लिए? ये 1.5 साल के लिए फाइनेंस हो जाएगी। ओके, सो गाइस बता दूं 1,70,000 में आपको एक कार मिल जाएगी, बाकी भाई का कोई ब्लॉग देखेगा तो छोटा मोटा रिगार्ड जरूर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड पाजी पहले ही बता रहा हूँ प्राइसेस बढ़िया होंगे ना, तो मजा आएगा भाई होगा। अरे आएगा ना, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट अप आपकी आ चुकी है सेंटा फे। गाइस इस कार को मैं अभी मैंने ड्राइव करके देखा, पाजी ने बोला भाई को ड्राइव करके देखो, तो मतलब यार पाजी एकदम मक्खन थी चलने में, मतलब मजा आ गया बिल्कुल। सो पाजी सबसे पहले आएंगे इस कार के डिटेल एंड फीचर पे। सबसे पहले मोहित भाई ईयर से शुरू करते हैं, 2015 का मॉडल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, फुली लोडेड कार है, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स और क्या कहते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल, अंदर एंड्रॉइड लगा हुआ है, नया लगा है एंड्रॉइड, ठीक है, नया इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है, और डीजल इंजन में है, ये पेट्रोल नहीं है, ठीक है, और HR नंबर है, HR 10, ये आपकी 15 साल चलेगी, जो कहते हैं कि 13-10 साल वाला सिस्टम आया हुआ है, ये 15 साल चलेगी। एंड पाजी मैं इसकी बात करूँ, ये कार जो है कि 7 सीटर कार है, 7 सीटर है। पाजी इसकी डिटेल शेयर करेंगे, मॉडल होगा 2015 का, ड्रिवन 72,000 किलोमीटर, पेट्रोल और डीजल? डीजल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, ऑटोमेटिक के साथ, ठीक है। एंड पाजी अब इसकी हम बात करें कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग मोहित भाई जो इसकी बने 10.25 लाख रुपए, 10,25,000 रुपए, 10,25,000 रुपए। एंड पाजी एट द टाइम ऐसे आई थिंक कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हाँ डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन क्या कॉस्ट थी जब इसकी एट द टाइम आ रही थी? मोहित भाई नियर अबाउट होगी क्या कहते हैं 25 के आसपास होगी, नियर 25 लाख, 25 लाख के आसपास। ओके ठीक है, हाँ जी। सो गाइस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है महिंद्रा स्कॉर्पियो। यार इस कार की पाजी हम बात करें चाहे यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बात करें, इस कार की कैसी फैन फॉलोइंग है ना, जो मतलब कभी खत्म खत्म नहीं हो सकती, इसकी भी ओल्ड शिप की भी। हाँ हमेशा बंदा आगे मांगता है भैया स्कॉर्पियो दे दो। भैया पाजी मैं उसकी बात करूँ, उस कार को बेसिकली हम बोलते हैं लोहा लट, हम इसका लोहा लट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आज की जनरेशन के हिसाब से काफी कूल बना दी गई है। तो पाजी सबसे पहले हम आएंगे इसके डिटेल एंड फीचर पे। ये मोहित भाई ये भी 2015 का मॉडल है, ये भी डीजल आती डीजल है, डीजल इंजन में, ठीक है, 7 मंथ की कार है क्या कहते हैं, और चली हमारी 80 के आसपास चली हुई है, जेन्युइन चली हुई है, ठीक है। एंड पाजी वेरिएंट कौन सा है? ये S6 प्लस है मोहित भाई, S6 प्लस। हाँ फीचर की बात करूँ पाजी, इसमें फीचर क्या मिलते हैं? इसमें सब कुछ आता है, कंपनी स्टीरियो आता है, एसी आ जाता है, बट हमारे अलॉयज नहीं आते इसमें, ठीक है, और प्रोजेक्टर नहीं आते, ठीक है। हाँ और काफी चीजें हैं जो मतलब S11 में और इसमें थोड़ा फर्क है, रेंज का भी तभी फर्क है। ये बात बोलूंगा क्योंकि अगर कोई बंदा इस कार पे 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो पूरी ये S10 बन जाएगी, S10 लाख भी आपने ज्यादा बोल दिया, 60-70 हज़ार में बन जाएगी, क्योंकि आधे फीचर्स इंस्टॉल्ड हैं, आधे डलने हैं, क्योंकि सीट कवर्स वगैरह सब आए होते हैं। ठीक है,
पाजी जी, आपने कॉस्टिंग बताई इसकी? कॉस्टिंग जो मोहित भाई हम आस्किंग कर रहे हैं इसकी 8,60,000 रुपए कर रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है। ठीक है, ओके। बाकी गैस कार के नंबर सामने डिस्प्लेड है, कोई भी कार की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इनसे मिल जाएगी नंबर से। बिल्कुल। नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है HR26 की XUV500 ओल्ड शेप वेरिएंट। अब हम आएंगे इसकी डिटेल एंड फीचर पे। मोहित भाई ये वाली जो हमारी XUV है ये भी बहुत डिमांडिंग में, अभी तक डिमांडिंग में। ये W8 वेरिएंट है, 2013 का मॉडल है, ठीक है, और HR नंबर है, ये भी आपकी 15 साल वैलिड है, ठीक है। और क्या कहते हैं जो इसमें फीचर्स है W8 में आपको पता सारे ही आते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल, कंपनी फिटेड स्टीरियो आ गया अपना, और आ गया इसमें क्या कहते हैं ऑटो फोल्डेबल मिरर्स आ गए, और हमारे 6 एयरबैग्स आते हैं लोडेड। आई थिंक जब ये W8 वेरिएंट रहता था उस समय सनरूफ नहीं आता, सनरूफ नहीं आता था, ठीक है। अलॉय व्हील्स इसमें आपको मिलते हैं, मिलते हैं ABS भी मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। हां जी पाजी, बात करें मॉडल आपने बताया 2013 का, ड्रिवन 76,000 किलोमीटर। पाजी मैं बात करूं मॉडल कौन सा, ये 2013 का मॉडल है, ड्रिवन 76, ठीक है। बात करूं साथ के टायर अभी गाड़ी के ना, जो टायर्स भी हैं वो भी साथ के ही हैं। अच्छा पाजी, हम बात करें कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग जो मोहित भाई हम इसकी करने वाले हैं वो है 5,35,000 रुपये, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है। डीजल वेरिएंट, डीजल वेरिएंट 535, ठीक है, ओके। 5,35,000 इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस नेक्स्ट अब आपके आ चुकी है Hyundai क्रेटा, दो अवेलेबल है, एक व्हाइट में और एक सिल्वर में। पाजी पहले आएंगे व्हाइट पे डिटेल पे। ये मोहित भाई ये पेट्रोल वेरियंट है, ठीक है, 2016 का मॉडल है, SX ऑप्शनल है, पुश बटन स्टार्ट, DRLs, अलॉय व्हील्स, फुली लोडेड है ये। हाँ जी, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। और ये चली हुई है कोई 65-70 के आसपास चली हुई है आपकी पेट्रोल में, सिंगल ओनर कार है। और जो अब इसकी प्राइस की बात कर रहे हैं, वो प्राइस की 8.5 लाख रुपए आस्किंग है, बाकी नेगोशिएबल है। और जो हमारा फाइनेंस इस पर अवेलेबल है वो 80% फाइनेंस भी हो जाएगी ये गाड़ी, क्योंकि 16 मॉडल है, हायर जितना मॉडल है जितनी भी देख रहे हो आप, सेंटा फे भी है, ये भी है, इन सब पे 70-80% फाइनेंस अवेलेबल होगा, 20% डाउन पेमेंट एंड 80% हो जाएगी फाइनेंस, ठीक है। इसी कॉस्टिंग हमने बता दी ना? हाँ जी बता दी, 8.5 लाख रुपये, 8.5 लाख रुपये, ठीक है। नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है सिल्वर कलर की क्रेटा, पाजी डिटेल पे आएंगे। ये वाली क्रेटा जो मोहित भाई हमारी है ये है हमारी 2017 मॉडल, और ये डीजल वेरिएंट में, ठीक है, डीजल वेरिएंट, और ये E+ है, E+, ठीक है। E+ में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ क्या होता है, कंपनी फिटेड स्टीरियो आ जाता है, आपके हब कैप्स आ जाते हैं, बाकी सब कुछ तो सब सेम ही है, अलॉयज नहीं आते इसमें, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं आते हमारे इसमें, ठीक है। हाँ। पाजी बात करें ड्रिवन कितनी होगी गाड़ी, ये 39,000 चली है, 40 अप्रॉक्स। सिंगल ओनर पाजी, पेट्रोल और डीजल? डीजल। आप कॉस्टिंग पाजी हम बात करें इसकी 875 कर रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है। उसका कितना था? उसका 8.5 था, 8.5 लाख। एंड मॉडल कौन सा वो? वो 16 है, वो ये 17 है, ये 17 है। हाँ। तो गाइस ये आपको 17 मॉडल मिल रहा है 875 में, एंड ये आई थिंक ये उससे लोअर वेरिएंट है, लोअर वेरिएंट है, ये लोअर वेरिएंट है, लेकिन अगर आप इसको बट ये चली बहुत कम है, अंडर 39,000 चली है, अंडर वारंटी है अभी कार सारी। अच्छा अच्छा, ये भी चलिए 39,000, ठीक है। इसकी कॉस्ट होगी 8,75,000 एंड ये 2017 मॉडल है। नेक्स्ट गाइस अब आपके आ चुकी है Hyundai, सॉरी दिमाग खराब, मारुति सुजुकी ब्रेजा। भाई एक्चुअली आजकल थोड़ा दिमाग घूम जाता है। अरे आजकल इंपोर्टेड गाड़ियां डल रही है ना, तो अरे इंपोर्टेड गाड़ियों की बात नहीं है भाई, हो जाता है। लेकिन अभी बीच में ऐसा सीन बन गया था, वो कोई नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे उसको हम, कोई बात नहीं। गाइस नेक्स्ट अब आपके आ चुकी है मारुति सुजुकी ब्रेजा डीजल वेरिएंट। डीजल वेरिएंट बता दूं गाइस कि ये कार जो है मतलब डीजल में बहुत कामयाब रही है, बहुत कामयाब। अब तो वैसे अब तो बंद डिस्कंटिन्यू कर दिया मारुति ने, डीजल ही बंद कर दिया, कोई गाड़ी नहीं आ रही। उन्होंने टोयोटा में आपकी निकाल दी है अर्बन क्रूजर, लेकिन वो भी डीजल में नहीं आ रही। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो पेट्रोल में निकाली है, वो इतनी कामयाब नहीं हो पाएगी जितनी डीजल में कामयाब थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाजी। सबसे पहले आएंगे इसके मॉडल पे मोहित भाई, 2016 का मॉडल है, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स बहुत लोडेड है ये। इसमें एंड्रॉइड सिस्टम लगा हुआ है आपका, सीटें बहुत अच्छा इंटीरियर हुआ हुआ है, और क्या कहते हैं मैटिंग बहुत अच्छी हुई है, अलॉय व्हील्स एक्स्ट्रा लगे हुए हैं इसमें आफ्टर मार्केट, ठीक है। और जो अब इसकी प्राइस की बात कर ले, वो आस्किंग कर रहे हैं हम 6,30,000 रुपये, बाकी प्राइस नेगोशिएबल है सारे। भाई कितनी ड्रिवन है? ये चलिए 65,000 चलिए मोहित भाई, सिंगल ओनर, सिंगल ओनर, डीजल वेरिएंट है। 6,50,000 35,000 ओके ठीक है। एंड भाजी ये भी आपको आराम से 3-4 ईयर के लिए फाइनेंस हो जाएगी, हो जाएगी आराम से, हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है एक और ब्रेजा, वो आपकी व्हाइट कलर में थी, आपकी डार्क ग्रे कलर में, भाजी डिटेल पे आएंगे। ईयर का फर्क है मोहित भाई, ये हमारी जैसे डीजल का लास्ट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं ना, अगर लास्ट प्रोडक्ट होगा तो ये होगा डीजल का। अच्छा। क्योंकि 20 में मारुति डीजल बंद होगी थी, और ये हमारी 20 मॉडल है, सितंबर से पहले बंद होगी थी। 2020 मॉडल है। अच्छा ठीक है, हमारी ब्रेजा ये 2020 मॉडल है, और चली है 60,000 जेन्युइन चली हुई है, ठीक है। डीजल वेरिएंट है और VDI है ऑप्शनल, जिसमें सारे फीचर्स आते हैं, लेदर सीट कवर्स, कंपनी फिटेड स्टीरियो, आपके हब कैप्स आ जाते हैं, और आपके इसमें फॉग लैंप्स भी आ जाते हैं नीचे वाले। ओके हाँ, आप पाजी बात करते हैं हम 2020 मॉडल है, ड्रिवन कितनी है? 60,000। एक साल में बंदे ने 60,000 चला दी गाड़ी, मतलब है क्या बात है, और सारी ओरिजिनल है। मेरे को मतलब डेढ़ साल लगा के चल रहा है, डेढ़ साल में मतलब इनकी जिनकी जिन्होंने भी कार ली थी, मतलब इतनी खींच दी गाड़ी, रनिंग थी उनकी, ठीक है यार, कुछ नहीं बिगड़ता इसका, उन्होंने बेच दी
और कह रहे मारुति तो दो तीन लाख। एक बात बोलूं यार, देखो गाइस की ना एक बात ये भी, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते पाजी, अगर आप चाहे कार कोई भी ब्रांड की लो, अगर आप मेंटेन कर सकते हो ना, तो वो गाड़ी इजीली नहीं गई जाती, कुछ नहीं कहती। अगर आप स्कॉडा भी ले लोगे ना, मैंने बेची है स्कॉडा, आपको पता है मैं तो फैन हूं उनका, मैं डेढ़ दो लाख किलोमीटर कस्टमर को बता के बेची है कि डेढ़ दो लाख किलोमीटर चली हुई है, बट अंडर वारंटी है गाड़ियां अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आइए बात करते हैं इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है। मुझे भाई इसकी 875 आस्किंग है, 875,000 एंड ये आपकी सिंगल ओनर है, डीजल वेरिएंट, डीजल ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट अप आपकी आ चुकी है इंडिया की सबसे फेवरेट एमयूवी में से एक, जिनका बजट कम है, जो इनोवा में नहीं जाना चाहते उनके लिए ये बहुत बड़ी ऑप्शन है 7 सीटर में एमयूवी में। बिल्कुल पाजी, सबसे पहले हम आते हैं, ये डीजल है पेट्रोल वेरिएंट है? ये भी डीजल है, वीडीआई ऑप्शनल है, वीडीआई ऑप्शनल। मॉडल कौन सा पाजी है? 2014 का। अच्छा बात करते हैं पाजी, ड्राइवर कितनी होगी ये चली हुई है? 88,000। सिंगल ओनर है? हाँ जी सिंगल ओनर है। अपा जी कॉस्टिंग इसकी हम बात करें, कॉस्टिंग जो मोहित भाई इसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो 5,40,000 रुपये कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑप्शनल मॉडल है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, लेदर सीट कवर आ जाएंगी, कंपनी फिटेड स्टीरियो आ जाएगा, अलॉय व्हील्स आ जाएगी, ABS आ जाएगा, हमारा फुली लोडेड आ जाएगी। ठीक है हाँ। ओके तो इसकी डिटेल हो गई, अब नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ येती, लास्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जो हमने बताई थी 1,70,000 में, वो अभी हम आपको बताने वाले हैं, यही वो गाड़ी हो सकती है। चलो पहले डिटेल तो सुन लो। तो सबसे पहले आते हैं पाजी मॉडल पे, स्कोडा कौन सा मॉडल है? 2012 का मॉडल है मोहित भाई। अच्छा पाजी बात करें, ड्रिवन कितनी होगी गाड़ी? ये चली हुई है आपकी 67,000 जेन्युइन। अच्छा सिंगल ओनर? सिंगल ओनर, डीजल वेरिएंट? डीजल वेरिएंट। अब कॉस्टिंग की बात करें, 1,70,000 नहीं होने वाली, नहीं होने वाली मोहित भाई, भाई साहब 1,70,000 रुपए मिलने लग गई ना, लोग गाड़ी भी लेना छोड़ देंगे इसी को लेने के लिए, भागेंगे उसमें पहले। ये मोहित भाई 20 अभी वो भी हम दिखाएंगे आपको, वो भी दिखाएंगे 1,70,000 वाली कौन सी गाड़ी है। सुपाजी कॉस्टिंग भी क्या है मोहित भाई? पहले तो मैं बात करूंगा यति, ये नाम से बिकती है, बीस्ट है, इसको हिल्स में ना लोग बहुत प्रेफर करते हैं। अच्छा एक बार जो इसका टेस्ट पड़ जाता है ना, इसके लवर ही अलग है बिल्कुल। अच्छा जो एक बार चलाता है ना इसको, वो छोड़ता नहीं है फिर इस गाड़ी को। नई गाड़ी भी है, 25,00,000 रुपए की थी, 22 से 20 के बीच में थी जब ही आती थी। कॉस्टिंग करते हैं तो ये हमारी 2012 का मॉडल है, और जो आस्किंग प्राइस कर रहे हैं उसके 4,20,000 रुपए कर रहे हैं। 4,20,000 रुपए? हाँ जी। अब गाइस फिलहाल मैंने आपको इतनी सारी कार कलेक्शन दिखा दी है, पाजी सोच रहे होंगे यार फुद्दू बना गए, इन्होंने गाड़ी तो दिखाई नहीं। दिखाई देते हैं, साथ लेके चलते हैं यार, आओ। सो पाजी भाई ने सोचा होगा 1,70,000 तो हमने बता दिया, दिया कुछ नहीं इन्हें, फिक्र ना करो यार, जो थंबनेल में दिखाया है वो तुम्हें मिलेगा। चलो पता है वो कौन सी गाड़ी है? ये साथ में देखो, ये था वो ट्विस्ट जो हमने आपके लिए डाला था भाई। एक्चुअली क्या था रीजन बता दूं, गाड़ियां नीट एंड क्लीन कंडीशन में थी, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए आपको ये गाड़ी दिखाई जाए। तो पाजी पहले ये एक मोटिव ये था कि लोगों को लगता है कि पाजी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बेचते हैं, पर नहीं, हमारे पास शुरू हो जाती है 70,000 से स्टार्टिंग हो जाती है गाड़ी की, और जितना गुड़ डालोगे उतनी चीज मीठी होती रहेगी। ठीक है पाजी, सबसे पहले आएंगे मॉडल पे, ये 2011 मॉडल है। ड्रिवन 33,000। 10 साल में सिर्फ 33,000 चली है, 33,000 भाई। नंबर आपके सामने लगता है पाजी झूठ बोल रहा है ना, नंबर आपके सामने चेक करो, निकल वाला ना, ठीक है ना, बस 10 साल में सिर्फ 33,000 चली है भाई। बाकी आपको लगता है नंबर आपके सामने डिस्प्लेड है, आप वहाँ पे सारी इसकी इन्फॉर्मेशन निकला सकते हैं। बिल्कुल पाजी गाड़ी सिंगल ओनर है? सिंगल ओनर है। ठीक है पाजी, हम बात करें कॉस्टिंग इसकी। कॉस्टिंग मोहित भाई जो कर रहे हैं वो मिल जाएगी 170 की आपको मिल जाएगी, 170। बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएट करा देंगे आपको। चलो एक काम करो, मैं एक फाइनल प्राइस बोलता हूँ भाई, एक काम करो 155 में फाइनल कर दो यार, तुम 150 की ले जाओ यार, खत्म करो 150 की। हाँ, चलो यार खत्म, डील डन होगी, 1.5 लाख में आप जिसको गाड़ी लेके जाने ले जाओ। एंड गाइस मैं एक आपको बात बता दूं, DL नंबर की कार है, दिल्ली में इसको आप ड्राइव करते हो ना तो आराम से आप इसको 5 साल आराम से चला सकते हो पेट्रोल, और 1.5 लाख में आपको 5 साल मिल रहे हैं तो यार और क्या लोगे। बिल्कुल बाइक नहीं आती इतने की, अच्छी बाइक लेने जाओ, इसमें एसी में घूमोगे, बाइक में भी दो बंदे बैठेंगे, इसमें कहां आके 4-5 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। सो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अब आएगी 5-6 महीने बाद आएगी, क्योंकि इस बंदे ने तो डालना नहीं, ठीक है, ये ऐसे बड़ा बिजी रहता है। सही में 5-6 महीने बाद आएगी? नहीं नहीं, कैसी बात है यार, कैसी बात कर दी मोहित भाई, डेट लिख दूंगा देख लेना कौन से महीने। पिछली कब डाली थी? पिछली डाली थी ना, पिछले महीने डाली थी ना, एक महीने में आ गई ना, एक डेढ़ महीने बाद आई है, तब भी है डेट हुई है भाई, कोई बात नहीं। चल तो नेक्स्ट के लेने लगे, सर नेक्स्ट के लेंगे, नेक्स्ट मैं छोड़ रहा हूँ, छोटी 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 गाड़ियाँ लाऊँ सबके लिए। तो चले गए, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू कार कलेक्शन लेके पाजी का, तब तक दोस्तों ओके बाय।